So guys, this is my final look. It's a evening party makeup look. Hi everyone. तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेस के बारे में. सबसे पहला बेस जो कि हम यूज करते हैं वो है लिक्विड बेस, जो होता है फाउंडेशन. फाउंडेशन को हम कहते हैं लिक्विड बेस. नाउ मैं आपको बताती हूँ, सेकेंड बेस जो कि होता है वो होता है क्रीमी बेस. इस तरह का पैलेट आपने देखे होंगे, क्राइलॉन का होता है, मेकअप स्टूडियो का होता है, बहुत सारी ट्यूब्स क्रीमी फॉर्म में जो भी आपको दिखेगा वो होता है क्रीमी बेस. तो ये आगे इसके शेड्स, लाइट शेड, दिस इज अ येलो टोन, दिस इज अ पिंक टोन. इसका मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी. आज मैंने आपको बेसिस के बारे में बताना है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्रीमी बेस. आज का मेकअप हम करेंगे क्रीमी बेस के साथ. ये मैंने आईज पे इस तरह से यूज कर लिया इसको. और जो फाउंडेशन होती है उसे हम कहते हैं लिक्विड बेस. ये आ गया हमारा क्रीमी बेस. कभी भी आई मेकअप करने से पहले यही यूज करते हैं. नाउ इस तरह का ब्रश लेंगे. मैं ये पैलेट यूज कर रही हूँ, इसका पर्पल शेड. इस तरह से आप अपने आईज में जहां पे भी क्रीज खत्म होती है वहां पे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, लाइक दिस. देन एक राउंड ब्रश लेके इसको मर्ज करें. दिस इज अ सिंपल पार्टी मेकअप. आई मेकअप में दिखा रही हूँ सिंपल पार्टी मेकअप के लिए. लाइन ड्रॉ करनी है, देन उसको हमने ऐसे मर्ज करना है. सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हो. लाइन जहां आपकी आईज ओपन होती है वहां एक लाइन ड्रॉ करनी है, देन उस लाइन को ऐसे आपने मर्ज करना है, ठीक है. फिर से एक फ्लैट ब्रश लेंगे हम. कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हो आप, मैं ये ले रही हूँ. नाउ इस तरह का शिमरी पैलेट लेना कोई भी आप. मैं इसका गोल्डन यूज कर रही हूँ. इसको आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो. लाइक दिस, इस तरह से. ये आपने लगा लेना है पूरी आईज पे. ये मैंने गोल्डन किया, आप सिल्वर कोई भी कलर कर सकते हो, ठीक है. अब देन हम लेंगे इसका सिल्वर, जिसको हम करेंगे हाईलाइट. तो से भी कर सकते हैं, ब्रश भी यूज कर सकते हैं. आज मैं आपको ग्लिटर एप्लीकेशन करना सिखाऊंगी, ठीक है. इसके बाद कैसे ग्लिटर्स लगाना है वो सिखाऊंगी आपको. क्लोजअप दिखा रही हूँ आपको. इस तरह का ग्लिटर लेना है, लिक्विड ग्लिटर, उसको ऐसे लगाना है, देन डैप इट. ठीक है, दूसरी तरफ भी ये हमने लगाया फिंगर के साथ, डैप इट. इस तरह से आपकी गोल्डन आईज पार्टी मेकअप के लिए जो अपने लुक कर रहे हैं हम, आई मेकअप हो गया. अब इस पे लाइनर लगा के आप लैशेस लगा सकते हैं. आई मेकअप करने के बाद इस तरह का मैं लाइनर ले रही हूँ.
आई रियली लव दीज आईज. बिल्कुल पतला पतला लगाना है लाइनर. अब हम लगाएंगे लैशेस. तो लैशेस कैसे लगानी है, छोटे वाले साइड आपकी आगे की रहेगी, बड़ी वाली साइड पीछे की ओर. ठीक है, मैंने काट लिया है इसको अपने आईज के साइज के अकॉर्डिंग. तो ये लैश मैं लगा रही हूँ. तो मैंने लैशेस लगा दिए. वाओ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेकअप. अगर आपको यहाँ से थोड़ा और डार्क करना है तो आप, मैं उसी ब्रश से कर रही हूँ जिससे मैंने ऑलरेडी किया था. जो भी मेरे से पूछ रहे हैं मैंने कौन सा ब्रश यूज कर रही हूँ, तो ये फ्लैट ब्रश है. कैसा लग रहा है मेकअप मुझे कमेंट में बताना जरूर. अब हम क्रीमी बेस के साथ ही बाकी का अपना मेकअप करेंगे. आज ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं, बिल्कुल कम कम प्रोडक्ट यूज़ करने हैं. और जहाँ जहाँ मेरे फेस पे डिस्कलरेशन है, जैसे कि यहाँ, मैं यहाँ लगाऊंगी. आज बिल्कुल थोड़ा सा बेस करना है, पूरे फेस में आज बेस नहीं करूँगी, कम कम बेस करना है. हो गई आंखें साफ. ये मैंने लिया क्रीमी बेस, जहां जहां मेरे को भी जरूरत है सिर्फ मैं वहां वहां लगाऊंगी, जैसे कि ये आंखों के नीचे. इधर एंड देन फोरहेड. अब हम इसको मिक्स कर लेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल लाइट लाइट मेकअप करना है मैंने. तो जहां जहां मेरे फेस से मुझे जरूरत थी मैंने वहां वहां बेस लगा लिया है. देन ब्लशर, जरूरी नहीं है आपको मेकअप आता तो आपने सारे स्टेप्स करने हैं. देन हाइलाइटर, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पाउडर नहीं लगाया है क्योंकि मैंने ये इवनिंग लुक की है, इवनिंग पार्टी लुक. इससे मुझे जरूरत नहीं है वो करने की, इसको सेट करने की. कि आप देख रहे हो हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है इसका. लिप्स पे मैंने ग्लॉस लगाया हुआ है स्टार्टिंग से ही. अब मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगाऊंगी या फिर ग्लॉस ही लगा लूंगी. ठीक है, कॉन्टोरिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ. मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो डाला है, उस पर मैंने कॉन्टोरिंग किया हुआ है. कितना प्यारा लग रहा है. देखो जहां जहां आपके फेस पे आपको डिस्कलरेशन है, कुछ है, आप वहां वहां बेस लगाओ. ठीक है, देन उसको अच्छे से मिक्स करो. इवनिंग लुक में आपको मेकअप को सेट करने की जरूरत नहीं है. सीधा ब्लशर किया, हाईलाइट किया, देन आप स्प्रे कर सकते हो. अगर आपको स्वेटिंग होती है ज्यादा तो आप उसको फिक्स करो इवनिंग में. ठीक है, लिप कलर लगा रही हूं मैं. ये वीडियो बनाने का मेरा प्लान नहीं था, जस्ट मैं आई थी यहाँ पे, मैंने नाइट सूट पहना है, आप देख रहे हो. मुझे लगा चलो एक वीडियो आप लोगों के और बना देती हूँ. तो ये लिप ग्लॉस लिपस्टिक लगाई है मैंने नोट की. तो ये हमारा मेकअप हो गया डन. बताना जरूर कैसा लगा आई मेकअप. मैंने ये वीडियो स्पेशली सिर्फ आई मेकअप के लिए बनानी थी, बट अब कंप्लीट कर दिया मैंने अपना लुक. सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक. ज्यादा प्लान नहीं किया था मैंने. क्लोजअप देखो, मेकअप को फिक्स मैंने नहीं किया है पाउडर के साथ. इट्स अ इवनिंग पार्टी मेकअप लुक जिसे मैंने फिक्स नहीं किया है. सिंपल वही वही बेस किया जहाँ ज़रूरत थी, ब्लशर किया और हाइलाइटर किया आप लोगों के लिए. मैंने सिर्फ आई मेकअप करना था, बट अब मैंने पूरा मेकअप कर लिया. बताना ज़रूर आपको मेरा आई मेकअप कैसा लगा. और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी, बट अभी मेरा अनप्लान था, मैंने नाइट सूट पहना हुआ है. बट स्टिल आई मेक अ वीडियोज क्योंकि आपको अच्छा लगता है. आप मुझे कमेंट्स करते हो और मुझे बोलते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, इसलिए मैं वीडियोस बनाऊंगी. तो वैसे आई मेकअप अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और नेक्स्ट जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आई मेकअप की, या कुछ क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हो. और नेक्स्ट जो भी वीडियो बनानी है आप मुझे कमेंट्स करना, मैं वही लुक क्रिएट करूंगी. बाय बाय.